हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। सो हियर इज माय अनदर वीडियो फॉर क्लास फोर्थ इंग्लिश मीडियम। टुडे वी विल लर्न सब्जेक्ट इंग्लिश। सो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमारा जो चैप्टर नंबर 8 था वो हमने फिनिश किया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर का सबसे पहला है द नॉटी बॉय। सबसे पहली पोएम दी हुई है, पोएम का टाइटल है द नॉटी बॉय, शरारती बच्चा। तो देखते हैं क्या है इस पोएम में। There was a naughty boy and a naughty boy was he. He ran away to Scotland, the people there to see. Then he found that the ground was as hard that a yard was as long that a song was as merry. That a cherry was as red that lead was as weighty that four score was as 80. That a door was as wooden as in England. So he stood in his shoes and he wondered. He stood in his shoes and he wondered. भी यहाँ पर पोएम हमें दी हुई है द नॉटी बॉय। तो यहाँ पर क्या है, देर वॉज अ नॉटी बॉय एंड अ नॉटी बॉय वॉज ही, एक शरारती बच्चा था और वो शरारती बच्चा था। He ran away to Scotland और वो स्कॉटलैंड में जाता है। शरारती बच्चा था उसके बारे में बात की गई है कि वो स्कॉटलैंड में जाता है। The people there to see, वहाँ के जो लोग हैं उनको देखने के लिए वो स्कॉटलैंड जाता है। Then he found that the ground was as hard that yard was as long that a song was and merry। तो यहाँ पर बताया गया है कि बच्चा जो है वो स्कॉटलैंड जाता है वहाँ के लोगों को देखने के लिए, और फिर वहाँ जाकर वो देखता है कि वहाँ का जो ग्राउंड है वो बहुत ही हार्ड है, वहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ही हार्ड है, बहुत ही सख्त है, और वहाँ का जो यार्ड है वो बहुत ही लॉन्ग है। डेट अ सॉन्ग वॉज एज मैरी, और वहाँ के जो सॉन्ग है, वहाँ के जो गीत है बिल्कुल एकदम आनंदी सॉन्ग है। That a cherry was as red, और वहाँ की जो चेरी है वो भी रेड ही है। That lead was as weighty, और जो लेड है, लेड मतलब सीसा हम कह सकते हैं, सीसा मेटन, ओके, एक टाइप का जो मेटन होता है वो। सो जो लेड है वो बहुत ही वेटी, बहुत ही हैवी है, बहुत ही वजनदार है। वेटी का मीनिंग होता है बहुत ही वजनदार। That four score was as 80, और वहाँ का जो फोर स्कोर है, फोर स्कोर का मीनिंग है चौरासी कोस। तो वहाँ का जो फोर स्कोर है वो 80 है। डेट अ डोर वॉज एज वुडन एज इन इंग्लैंड, द डोर वॉज एज वुडन, और वहाँ के जो दरवाजे है वो वुडन के है, लकड़ी के है, जैसे इंग्लैंड में है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो बच्चा है वो कहाँ का है, इंग्लैंड का है, और वो इंग्लैंड से यहाँ पर स्कॉटलैंड में देखने के लिए सब कुछ आता है, लेकिन उसे वहाँ पर भी सारी चीज़ें वैसे ही मिलती है जहाँ पर इंग्लैंड में जैसी होती है वैसे ही। कि यहाँ पर वो बताता है कि वहाँ के जो दरवाजे हैं वो भी बिल्कुल इंग्लैंड के दरवाज़ों की तरह ही है। सो ही स्टूड इन हिज शू, सो इसीलिए वो अपने शूज़ पे खड़े हो जाता है। And he wondered, he stood in his shoes and he wondered, और फिर wonder का मीनिंग हो जाता है आश्चर्य। तो वो एकदम आश्चर्य पड़ जाता है, बहुत ही आश्चर्य हो जाता है, अपने shoes पे, अपने पैरों पे खड़ा रहता है और बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। और उसे पता चलता है कि इंग्लैंड में जैसी चीज़ें हैं वैसी चीज़ें यहाँ पर स्कॉटलैंड में भी वैसी ही चीज़ें हैं, और इसीलिए वो बहुत ही wonder हो जाता है, बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। तो यही बताया गया है हमें इस छोटी सी पोएम में, द नॉटी बॉय, जिसमें जो बच्चा है नॉटी बॉय वो स्कॉटलैंड जाता है वहाँ के लोगों को देखने के लिए, वहाँ की चीज़ों को देखने के लिए, वहाँ पे कैसी चीज़ें हैं, क्या क्या है। तो वो सारी चीज़ों को देखने के लिए जो बच्चा है वो स्कॉटलैंड जाता है, और वहाँ की सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है कि वहाँ का जो ग्राउंड है बहुत ही हार्ड है, वहाँ के जो सॉन्ग है वो बहुत ही मेरी मेरी का मीनिंग है, बहुत ही आनंदी है, बहुत ही अच्छे है, वहाँ की जो चेरी है वो भी रेड है जैसे कि इंग्लैंड में है, वहाँ का जो लेड है वो भी बहुत ही वेटी है, वहाँ का जो फोर स्कोर है, जो 84 कोस है वो भी बहुत ही 80 है, उसके जो दरवाजे हैं वो भी वुडन के है, लकड़ी के है, जैसे इंग्लैंड में है। तो इसीलिए जो लड़का है वो बहुत ही वंडर हो जाता है कि तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंग्लैंड में सारी चीज़ें होती है, बिल्कुल वैसी ही है।
सो ये हो गई हमारी पोएम कंप्लीट. ओके सो यहाँ पर द नॉटी बॉय जो है वो पोएम हमारी फिनिश होती है. ओके अब उसके बाद उसके जो न्यू वर्ड्स है और उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. ओके स्टूडेंट्स टेक केयर एंड बाय.